नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में सभी भैयाओं का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी वैदिक गणित अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें यह विदित है कि पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से भारत विश्व गुरु बना था और उन्हीं ऋषि मुनियों की देन से हमें उन्होंने वैदिक गणित पद्धति दी थी, परंतु कालांतर में हम अंग्रेजों के शिक्षा पद्धति के कारण हमारी जो वैदिक गणित विधि थी उनको हमने छोड़ दिया और अंग्रेजों की जो दी गई पद्धति थी, शिक्षा थी, वो हमने प्रारंभ कर दी थी। इसलिए आज हम उन ऋषि मुनियों की दी गई वैदिक गणित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि अध्याय 5 में पहला प्रश्न है एकाधिकेन पूर्वेण। इसके अंदर दो शब्द है, एकाधिकेन और दूसरा शब्द है पूर्वेण। इन दो शब्दों के बारे में हम दोनों का अर्थ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एकाधिकेन का अर्थ होता है एक अधिक और पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले। तो हमें देखना होगा एकाधिकेन पूर्वेण दो शब्द है, एकाधिक और पूर्व से बना है। एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिक और पूर्व शब्द जब मिले हैं तो दोनों का बन गया एकाधिकेन पूर्वेण। और इसी में एकाधिकेन का अर्थ होता है एक अधिक और दूसरा शब्द है पूर्वेण, पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले का। इसी प्रकार पूर्व अंक का अर्थ होता है से पहले का। अब हम सबसे पहले एकाधिकेन को समझेंगे। अब एकाधिकेन का अर्थ होता है जैसे हमारे पास संख्या 15 है, तो 15 का एकाधिकेन करेंगे तो हमें सबसे पहले यह करना है कि ये 15 है, इसके ऊपर एक एकाधिकेन का बिंदी यानी ये एकाधिकेन का चिन्ह है ये लगाना है। और इसका अर्थ हो गया है कि 15 के साथ में हमने एक मिलाया तो 16 आ गया। अब इस 5 का मान 5 नहीं है 6 है, क्योंकि इसके ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लग गया है। इसी प्रकार है 76 का एकाधिकेन करेंगे तो 76 में तो 7 और 6 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह है, यानी यहां 6 का मान भी 7 है, 76 में हम एक जोड़ते हैं तो 77 प्राप्त होता है। इसी प्रकार एकाधिकेन का यह अर्थ होता है कि हम किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं यानी एक अधिक करते हैं, उसी का अर्थ है एकाधिकेन। अब दूसरा प्रश्न है पूर्वेण। पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले, कोई भी अंक होता है उसका पूर्व यानी उससे पहले वाला अंक। इस प्रकार हम देखते हैं संख्या 42 में 2 का पूर्व अंक। अब संख्या 42 है ये 2 है, 2 का पूर्व अंक 4 है, तो 2 का पूर्व अंक कौन सा हो गया 4। इसी प्रकार संख्या 74 में 7 का पूर्व अंक ढूंढना है, तो हमें देखते हैं कि 74 है यहां। अब 7 का पूर्व अंक यानी 7 से पहले वाला अंक कोई नहीं है तो हमें उस जगह शून्य का प्रयोग करना है और इसलिए हमारी ये संख्या हो जाएगी 074। इसका हमें ध्यान करते हुए इसका अर्थ समझना है कि एकाधिकेन का अर्थ होता है एक जोड़ना और पूर्वेण का अर्थ होता है जिस अंक को पूछा गया है उससे अगला अंक। यदि कोई अगला अंक नहीं होता है तो उसकी जगह हम शून्य लगाकर लिखते हैं। अभी हमें कुछ संख्याएं हमारे सामने हैं, उन संख्याओं में एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए नवीन संख्या का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या लिखी हुई है 16 और 16 में अंक 6 का
एकाधिकेन और पूर्वेण का प्रयोग करते हुए नई संख्या लिखनी है। तो 16 में तो हमें एक बार इसी संख्या को यहां वापस पाएंगे 16, और हमें 16 में अंक 6 का एकाधिकेन पूछा है, तो 6 का पूर्व अंक है 1 और 1 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लग गया और उसका नवीन मान हो गया 6 का 6 और 2 1 के ऊपर 1 एकाधिक का चिन्ह इसका मान हो गया 2 यानी 26 हो गया। इसी प्रकार संख्या हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2 में 325, तो हमें एक बार 325 को यहां लिखना है 325 और उसके बाद में उसने पूछा है अंक 5 का, तो 5 का पूर्व अंक यानी 5 के अगला अंक 2 है, 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है और अब हमें नवीन संख्या लिखनी है, तो हमने लिखा 5 का 5 और 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह है इसलिए इसका मान हो गया 3, तो हमने उतारा 3 और 3 का 3 यानी नवीन संख्या का मान आ गया 335 यानी दाई अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा इसलिए इसका मान 10 बढ़ा है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास संख्या है 83, तो हम एक बार लिखेंगे 83 और ये पूछ रहा है 83 में अंक 8 का पूर्व अंक, तो 8 का पूर्व अंक नहीं है तो हमें एक शून्य लगाना है आगे और शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है और इसकी नवीन संख्या का मान लिखना है, तो हम सबसे पहले 3 का 3 उतारेंगे, 8 का 8 लिखेंगे और 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह इसका मान हो गया 1 यानी हमारी संख्या का मान आ गया 183। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 में 148 दे रखा है, तो हमें एक बार 148 उतारना है और उसके बाद ये पूछ रहा है अंक 4, 4 का पूर्व अंक 1, 4 का पूर्व अंक 1 है तो इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगेगा। अब हमें नवीन संख्या का मान लिखना है, तो सबसे पहले हम 8 का 8 लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे और 1 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह है यानी 2 हो गए, तो हमारी नवीन संख्या का मान आ जाएगा 248। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 में 257 है, तो सबसे पहले हम यहां 257 को लिखेंगे और उसके बाद में वो पूछा है अंक 2 का पूर्व अंक यानी 2 का पूर्व अंक नहीं है तो हमें यहां 0 लगाना है और उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है और नवीन संख्या हो जाएगी 7 का 7, 5 का 5, 2 का 2 और 0 का मान 1 हो गया यानी 1257 हमारी नई संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 में 63, तो हमें यह ज्ञात करना है 63 में अंक 3 दिया है, 63 में अंक 3 का 3 का पूर्व अंक 6 है तो 6 पे एकाधिक का चिन्ह लगेगा और नवीन संख्या का मान हो जाएगा 73, 6 की जगह 7 हो गया और 3 का 3 हो गया 73। इसी प्रकार आगे प्रश्न क्रमांक 7 में 273 दे रखा है, तो हमें यहां 273 लिखना है और उसके बाद हम पूछता है अंक 7 का यानी 7 का पूर्व अंक 2 और 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगेगा और नवीन संख्या का मान हो जाएगा 373। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 में संख्या है 2501, उसको जौ की त्यों उतारनी है और उसके बाद वो पूछ रहा है 0 का पूर्व अंक, शून्य का पूर्व अंक ये शून्य है, शून्य का पूर्व अंक 5 है और 5 पे एकाधिक का चिन्ह लगेगा और नवीन संख्या आ जाएगी हमारी, तो हम लिखेंगे 2 का 2, 5 की जगह 6 हो गया, 0 का 0 और 1। इसी प्रकार हमें प्रश्न क्रमांक 9 में 6235 में, तो हम उतारेंगे 6235 में अंक 2 का यानी 2 का पूर्व अंक 6, 6 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगेगा, 6 का मान 7 हो गया
नवीन संख्या का मान आ जाएगा 7235। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10, 10 में है 9435 में 9 का पूर्वांक, 9 का पूर्वांक यानी 9 से पहले हम शून्य लगाएंगे और एकाधिक अचरे लगाएंगे और नवीन संख्या का मान हो जाएगा 1 9 4 3 5 यानी 19435। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा अंक पूछा है उसका पूर्व अंक कौन सा होगा, उसी के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना और नवीन संख्या का मान बताना। इसको ध्यान करते हुए आज हमने एकाधिक केन और पूर्वेण दो शब्दों के बारे में अध्ययन किया है। इसी प्रकार इसकी जोड़ और इसी प्रकार इसी के घटाव हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।